नमस्कार दोस्तों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले पीटीटी 2018 के बारे में कि हम इस वीडियो में आपको पीटीटी 2018 थर्ड काउंसलिंग के बारे में आपको पूरी प्रोसेस जो है वो बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा। तो वीडियो में चलने से पहले कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीटीटी बीएड और बीएससी बीएड या बीएड का जो एडमिशन सेशन था वो समाप्त हो गया है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि थर्ड काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, पीटीटी हम डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट है, उनसे मैंने इस बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया था कि थर्ड काउंसलिंग होगी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। ये कोई यूनिवर्सिटी ने रोक नहीं लगाई, ये राज्य सरकार द्वारा ये रोक लगाई गई है। तो जो राज्य सरकार ने रोक लगा दी वो उसी पे रोक ही रहेगी, अब आगे थर्ड काउंसलिंग नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अब मेरे को इस बारे में वो बात हुई थी वही मैंने आपको आगे बताया था। तो दोस्तों, अब जिसके ज़्यादा नंबर है और उनका नंबर नहीं आया तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो ये अब 2019 में लगभग मार्च अप्रैल के समय ये वापस होगी। तो दोस्तों, अब ना तो थर्ड काउंसलिंग होगी और ना ही वेटिंग लिस्ट आएगी। अब ये सेशन समाप्त हो गया है। और दोस्तों, मेरे जो वीडियो बनाया था उनमें मैंने किसी भी वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार को निराश नहीं करना चाहता। तो कोशिश ये रहती है कि मैं उनको पॉजिटिव बताऊँ, हर वीडियो में पॉजिटिव बताऊँ। मेरे उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को नेगेटिव पॉइंट बताऊँ और किसी भी स्टूडेंट की भावना को ठेस पहुँचे। वीडियो में के माध्यम से मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। और मेरा जो वीडियो है वो अच्छाई के लिए ही होता है और ना ही कि बुराई के लिए होता है। और जो मेरे लिए सही सूचना वही मैं आपको आगे जारी करता हूँ, नहीं तो मैं आप तक पहुँचाता नहीं हूँ। वो मैं कम से कम उसका प्रूफ 3-4 बार देख ही मैं आपको आगे पहुँचाता हूँ। हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट किसी प्रकार से निराश नहीं हो। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो छात्र हित के लिए बनाता हूँ, वो किसी में अहित के लिए नहीं बताता। और दोस्तों, इसका मेरे को भी दुख है कि थर्ड काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई और मेरे भी जो साथी है वो भी इनसे वंचित रह गए। हमसे कोई गलती हो गई हो उस वीडियो में तो मैं आपके लिए वो क्षमा भी चाहता हूँ। और आगे इसके लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, इस बार ज़्यादा निराश नहीं हो, क्योंकि जो ज़्यादा गिरता है वो ही आगे बढ़ पाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि आगे आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, आगे अब 2019 में इसकी काउंसलिंग होगी तो उसमें आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा और पढ़िएगा और आगे बढ़ते रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।